सवाल के साथ शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गांव की महिलाएं बेटियों के जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए। आई थिंक गांव की महिलाओं को हम हमेशा सोचते हैं कि वो सिर्फ किचन में रहेगी, वो तो सिर्फ घर की देखभाल करने के लिए ही लायक है, हम सोचते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली अब जब गांव में जाएं तो आप देखें कि हमारे जो खेतों में है सबसे ज्यादा मेहनत औरतों की रहती है। उनकी शुरुआत, सुबह की शुरुआत सुबह के लगभग 3 बजे से शुरू होती है। चौखा दाना होता है, घर में रहती है, सबके लिए खाना बनाती हैं, उसके बाद खेती में जाती है, सबसे पहले काम वो करती हैं। जितना भी खेती का काम होता है, हमारे जो किसान हैं आप उनसे भी पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हमारी औरतें हमसे ज्यादा मेहनत करती हैं। हम उनको इज्जत देते हैं, हमारे घर के जो मर्द हैं उनको इज्जत देते हैं, हम कहते नहीं वो हमेशा हमारे आगे रहे हैं इसलिए हम उनको वो इज्जत देते हैं। लेकिन क्या वो मर्द हमारी इज्जत करते हैं या हम सिर्फ एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं कि बस घर में हो, घर का ध्यान दो, उससे ज्यादा तो खेतों में थोड़ा काम करती हो वो ठीक है, तुम चौकीदारी देखो, माँ बाप की तबीयत कैसी हो देखो, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं उसको देखो, मैं रात को घर आऊंगा, मेरे लिए खाना बना के रखो, गरम गरम रोटियां परोसो, बस तुम्हारा काम वहां खत्म हो जाता है। लेकिन आप सोचिए, सुबह 3 बजे औरत उठ के काम करती है, सबसे पहले एक घर में उठने वाली अगर कोई है तो वो है आपके घर की महिला, और सबसे आखिर में घर की साफ सफाई करके, घर का दरवाजा सही बंद किया है नहीं किया है, मोटर पंप ऑफ किया है या नहीं किया है, गांव में अगर हैं तो गांव में जो अपने आपके जो बैल बकरे बकरी वगैरह हैं उन सबको खाना पानी दिया है नहीं दिया है, बराबर बंधे हुए हैं नहीं बंधे हुए हैं, उन सबको देख के घर की सफाई करके 12:30-1 बजे के करीब सोती है एक औरत, एक महिला उस घर की। क्या उसको 8 घंटे सोने का हक नहीं है? क्या उसको आराम का हक नहीं है? क्या उसके बदन में दर्द नहीं होता? क्या उसके हड्डियों में तकलीफ नहीं होती? क्या उसे भूख नहीं लगती या उसे पसीना नहीं आता? थोड़ा अगर हम सोचें कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं उनको भी थोड़ी सहानुभूति की जरूरत है, उनको हमारी तरफ से एक ये कहना बहुत जरूरी है कि उसके कंधे पर हाथ रखो और कहो कि तुम हमारे पीछे नहीं हो, इनफैक्ट तुम हम सबसे आगे हो, क्योंकि अगर तुम ना होती तो शायद ये घर घर ना होता। तो पहले शुरुआत घर में जितने भी हमारे मर्द हैं उनसे ये कहें कि अपनी घर की जो बीवियां हैं, आपके घर में जो महिलाएं हैं, उनको थोड़ी सहानुभूति दिखाएं, उनके कंधे पर एक ठपकी देके कहे अगर तुम ना होती तो मैं ना होता, शुरुआत वहां से करते हैं। आपका दूसरा सवाल है, विश्व भर की संसदों में महिलाओं की संख्या के आधार पर हुए सर्वे में भारत 103वें नंबर पर है। भारतीय संसद के दोनों संसदों में मात्र 15% महिलाएं हैं। संसद में महिलाओं की कम संख्या के लिए आप किन कारणों को जिम्मेदार मानती हैं? मैं कहती हूं ये वापस मुझे कहना पड़ेगा कि ये शुरुआत हमारे घर से है। मैं पॉलिटिक्स में रही हूं तो मैं देखती हूं कि काफी जगह पे महिलाएं टिकट तो मिल जाती है उनको, लेकिन आखिरी वक्त महिलाओं को टिकट वापस देना पड़ता है या वो टिकट जो है अपने घर के पुरुष को देना पड़ता है। ये होता है कि अरे यार तुम कैसे टाइम दे पाओगी। पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही, संसद जो है बहुत ही आंकड़े वाला है, आप नहीं कर पाओगी, तुमसे ना हो पाएगा तो तुम मत करो, क्योंकि घर की जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, घर को कौन देखेगा, तुम एक दिन घर में नहीं हो तो घर में खाना कौन बनाएगा, ये सब तकलीफ है। तो मैं कहती हूं कि अगर हमारी इंडिया 130वें नंबर पर है तो बहुत ही शर्मनाक की बात है। लेकिन आप सोचिए ना, इतना सब होने के बावजूद हम आज तक औरत को इक्वल हिस्सा नहीं दिला पाए। संसद तो दूर की बात, घर में भी उसको हम उतना औधा नहीं देते हैं, उतनी ऊंची पोजीशन नहीं देते हैं कि वो कहे कि ये घर मेरे बल पे चलता है। औरतें पॉलिटिक्स में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं कहेंगी, मेरा ये मानना है कि अगर एक औरत एक घर संभाल सकती है तो ये अपना देश भी संभाल सकती है। औरतों को बाहर आना है, पॉलिटिक्स में आना है, लेकिन उसके लिए वापस घर में जितनी मर्द हैं उनकी जितनी उनको सपोर्ट चाहिए उससे भी ज्यादा एक औरत को अपने दिमाग बहुत ही ठोस बनाना पड़ेगा कि अगर मैं ना भी हूं, क्योंकि हम क्या कहते हैं ना कि काफी औरतें मैंने देखा है एक गिल्ट में चली जाती हैं। गिल्ट में इसलिए पहुंच जाती है, यार आज मैं घर पे नहीं हूं, मैं मीटिंग में आ गई हूं तो घर में आज खाना कौन बनाएगा, बच्चों को पढ़ाई कौन कराएगा, अरे मेरे जो पति हैं वो पतिदेव हैं वो रात को आ जाएंगे तो उनको गरम गरम रोटियां कौन बना के देगा, मेरी सासू माँ है उसको
दवाइयां कौन देना, बूढ़े मां बाप हैं उनको डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा, सब काम हो जाता है। खाली अगर महिलाएं अपना ये मन बना लें कि मुझे तो आगे बढ़ना है, तो अगर वो मन बना लें, वो एक ठान लें, तो हासिल करने जैसी चीज हर है। कि ये नहीं होगा कि आप ये नहीं कर पाओगी, फिर औरत खुद कहेगी मुझसे तो होगा और मैं कर पाऊंगी क्योंकि मुझ में वो हिम्मत है। तो औरतों को आगे आना है और अपना जो एक हक है लड़िए मत, लेकिन बड़े प्यार से उसको अपने घर वालों को समझाएं। लेकिन जब समझ नहीं आती है तो वो एक अटल मजबूत इरादा होना चाहिए कि आपके घर वाले खुद कहें कि हमारी लड्डू तो सब कर पाएगी, तो कर लीजिए बस। आपको लगता है कि भाजपा एक महिला विरोधी पार्टी है? मतलब आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल सुनते ही मुझे हंसी आती है, क्योंकि ये दुनिया जानती है कि सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में नहीं, लेकिन आप दुनिया भर में कहीं चले जाएं आपको पता लग जाता है, लोग कहते हैं यार आपकी भाजपा तो बहुत ही महिलाओं के खिलाफ है। मतलब आप सोचिए ना कि हमारे जो लीडर्स हैं, भाजपा के लीडर्स हैं, लॉ मेकर्स हम जिनको कहते हैं, जिनके हाथों में हमने ये देश सौंपा है कि आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं की रक्षा होगी, हमारी बेटियों की रक्षा होगी, उनकी बढ़ोतरी होगी, लेकिन हमने देखा है कि जहां पे आते ही चाइल्ड एंड विमेन वेलफेयर स्कीम्स हैं उनमें से 50% की जो उनकी योजना है उसको घटा दिया, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आप ये देख लें कि खाली बेटी बचाओ आंदोलन हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन चाहे वो 2 महीने की बेटी, 2 महीने की बच्ची हो या 80 साल की बूढ़ी नानी हो, रेप तो हर जगह हो रहा है। और वो रेप होता है तो हमारे लॉ मेकर्स उनके साथ खड़े होते हैं, उसको हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बनाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि ये अगर मुस्लिम लड़की ना होती तो इतना बवाल खड़ा होता, अगर ये हिंदू लड़की का रेप होता तो चाहिए लोग इतना चिल्लाते? मतलब एक मासूम बच्ची का रेप होता है, हमारे घर के किसी बुजुर्ग का रेप होता है, हमारे घर की एक बड़ी बेटी है जो आगे दुनिया को देखने जा रही है, दुनिया को आगे बढ़ाने जा रही है, उसका बहुत ही बुरी तरह से गैंग रेप होता है, लेकिन हमारे जो ये बीजेपी भाजपा वाले जो लॉ मेकर्स हैं वो उनके साथ खड़े होंगे, उनके साथ तस्वीरें निकालेंगे, कहेंगे कि नहीं वो लड़की ने तो ड्रेस ही अजीब पहना था इसलिए उसका रेप हो गया। 2 महीने की बच्ची को आप कैसे ड्रेस पहनाओगे, 80 साल की नानी को आप कैसे ड्रेस पहनाओगे? और जब एक महिला अपने आप को कोई वस्त्र पहन के जब बाहर निकलती है तो आई थिंक वो उसकी अपनी चॉइस होती है कि वो क्या पहने कैसे निकले। नजरिया मर्दों को बदलना है, लेकिन जहां हम कहते हैं कि मर्दों का नजरिया बदलना है वहां पर हमारे भाजपा के जो लॉ मेकर्स हैं वो खुद कहते हैं यार प्रियंका गांधी गोरी चिट्टी है इसलिए पॉलिटिक्स में आई है। मतलब सोच देखिए आप, भाजपा के एक लॉ मेकर हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के बारे में कहते हैं कि अगर वो काली नाइजीरियन होती तो राजीव गांधी जी उनसे शादी करते। कहते हैं प्रधानमंत्री जी आपके पार्लियामेंट में कहते हैं यार, जब रेणुका चौधरी जी हंसती हैं तो कहती है कि हमने ये तो पहले देख चुके हैं रामायण में, पहली बार सुन रहे हैं। तो इस तरह की जब बातें हमारे खुद के प्रधानमंत्री, उनके साथ के जो मंत्री हैं वो कहेंगे, हमारे जो लॉ मेकर्स हैं भाजपा के वो साथ खड़े होंगे, तो आप सोचिए कि भाजपा गवर्नमेंट जो है वो महिलाओं के खिलाफ है या साथ है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने कहा था एक मामूली रेप हो गया उसको इतना बवाल खड़ा कर दिया कि हमें कितने करोड़ों का एक टूरिज्म लॉस हो जाएगा। मतलब आपके घर की बेटी की इज्जत लूट ली गई है, जिंदगी भर के लिए वो एक जख्म जो है नासूर बन के उसके दिल में रहेगा। लेकिन आप कहते हैं कि आपको करोड़ों का लॉस हो जाएगा टूरिज्म में, वो ये कहता भी कौन है? ये कहता है आपके फाइनेंस मिनिस्टर। मैं पूछती हूं हमारे जितने भी बीजेपी के लॉ मेकर्स हैं, जिस तरह की बातें आप लोग करते हैं, जिस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल आप लोग महिलाओं के लिए करते हैं, क्या आपके घर की बेटी होती तब भी यही लफ्ज इस्तेमाल होते? जरा सोचिए, ये देश हमारी औरतों से बना है, हम भारत पिता नहीं कहते, भारत माता कहते हैं, हम मातृभाषा कहते हैं, हम कहते हैं ये भूमि जो है ये हमारी सीता मैया है, राम भैया नहीं कहते हैं। तो हर चीज हर वक्त जब हम भगवान और औरतों को एक मांगते हैं, हमारे घर में लक्ष्मी आती है, हमारे घर में
कोई और आता है नहीं कहते हैं, हमारे घर में लक्ष्मी आती है कहते हैं। तो आप जब पैसा हो, आपकी इज्जत हो या आपकी बढ़ोतरी हो, इन सब चीजों के लिए जब आप बात करते हैं कि औरतों के नाम पे करते हैं, लेकिन यही भाजपा वाले अगर वही औरतों को इतनी घिनौनी निगाहों से सोचते हैं, देखते हैं, तो ये आपको सोचने पे मजबूर नहीं करते हैं, बल्कि यकीन दिलाते हैं कि भाजपा गवर्नमेंट डेफिनेटली औरतों के खिलाफ है। महिलाओं की प्रजातंत्र में ज्यादा भागीदारी कैसे हो सकती है? आई थिंक इसका सवाल, इस सवाल का जवाब मैंने थोड़ी देर पहले भी दिया था। कैसे हो सकती है, मतलब उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, औरतों को आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको आगे आना पड़ेगा। ये जो भेदभाव हम कहते रहते हैं, औरत मर्द और आदमी आदमी आगे रहे, औरत आगे नहीं रहेगी। आप मीटिंग्स में भी देख लीजिए, औरतें ज्यादा आगे नहीं रहती हैं, औरतों को पीछे बिठाया जाता है, मर्द आगे रहते हैं। मैं कहती हूँ ये भेदभाव जब ना रहेगा तब ये बात होगी। आज भाजपा कहती है कि आपकी टीम में से कितनी महिलाएं आगे हैं। भैया मैं उनको याद दिला दूं कि हमारे देश की सबसे पहली जो प्रधानमंत्री हमने दी थी वो महिला दी थी, सबसे पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हमारी कांग्रेस ने दी थी। उसी तरह से हमारे हमारे देश की सबसे पहली स्पीकर हमने आपको कांग्रेस ने दी थी। हमारे देश की सबसे पहली फाइनेंस डिफेंस मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के रूप में हमने कांग्रेस ने दी थी। तो ये तो आप आज आए हो, आज की बात करें, सरोजनी नायडू से लेकर एनी बेसेंट से लेकर विजय लक्ष्मी पंडित जी से लेकर हर महिलाएं आप देख लीजिए, कांग्रेस सबसे पहले लेकर आई है। लेकिन हम आज भी कहते हैं कि औरत मर्दों के पीछे है। इंडियन हिस्ट्री में ही लॉन्गेस्ट रनिंग प्रेसिडेंट अगर किसी पार्टी का कोई रहा है तो हमारी सोनिया गांधी जी रही हैं। 19 साल किसी भी पार्टी प्रेसिडेंट को हमने नहीं देखा है कि 19 साल इतनी बेहतरीन तरीके से एक पार्टी को उन्होंने चलाया है। तो आई थिंक महिलाएं आगे बढ़ना चाहें तो वो बढ़ सकती हैं। ये सिर्फ उनकी दिमागी सोच है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। और हमारी संसदों में अगर हम महिलाओं को चाहते हैं तो वो शुरुआत आज से नहीं, अब से होनी चाहिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बस यही सोच रहे तो महिला आगे बढ़ सकती है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं और बच्चियों पर होने वाले अत्याचार के यति क्यों हुई है? यह सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर में हम देख चुके हैं, बिहार में हम देख चुके हैं, काफी जगहों पे हम देश में देख चुके हैं कि जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ उनके तहत जिस तरह से हरकतें हुई हैं, इन सब की जिम्मेदारी मैं किसी एक इंसान को नहीं देना चाहूंगी। लेकिन ये जो हम कहते हैं हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करते हैं तो मैं कहूंगी कि वहां के जो आपके मुख्यमंत्री योगी जी हैं, आदित्यनाथ जी हैं, मैं उन्हीं को ब्लेम करना चाहूंगी। क्योंकि पहली बार जब यह हत्या हुई थी, अगर उसी वक्त आपके मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही अहम कदम उठाया होता तो ये प्रॉब्लम्स आज आप देखते नहीं। मतलब इन सब का कहना और इन सब की सोच ऐसी है, यार हो गया ना, अगला नहीं होगा, देख लेंगे, अगला होगा तब देख लेंगे यार। ये जो एक एटीट्यूड है, ये जो सोच है उनकी, वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। कहते ना कि जब तक आपको तकलीफ ना हो तब तक आपको उस दर्द का एहसास नहीं होता। लेकिन बच्चियां चाहे मेरी ना हो, लेकिन मैं एक मां जरूर हूं। और मैं इतना कहूंगी कि जितनी तकलीफ एक मां को होती है, चाहे वो बच्ची मेरे घर की हो या कश्मीर में एक 8 साल की बच्ची हो या उत्तर प्रदेश में हमने देखा है जिस तरह से बच्चियों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं, कोई भी एक बेटी हो, इस देश की हर मां को तकलीफ वही होगी। लेकिन ये जो हमारे संसद में बैठे हैं उनको तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो उन पैसा कमाने में और वो जो एक पोजीशन हासिल करने में, हमारी गद्दी संभालने में इतने कठिन हो गए हैं, पत्थर से भी बदतर हो गए हैं कि कुछ भी उनके दिल को चुभता नहीं है। खाली एक जो कहते हैं एक वहशी पना होता है, एक जो बिल्कुल अपने सर पे ये है कि बस मुझे वो पोजीशन अपनी बचा के रखनी है, वो एक हाल हम देखते हैं जो हमारे
लॉ मेकर्स उत्तर प्रदेश के हैं उनके साथ है। ब्लेम गेम करना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत ही मजबूरी के साथ कहना पड़ता है कि यहां पर हैंड इन ग्लव जो कहते हैं कि सब मिली जुली भगत है कि जहां पर इंक्वायरी होनी चाहिए वहां पर इंक्वायरी बंद कर दी जाती है, जहां पे एक पिता अपनी बेटी का रेप हुआ है वो कंप्लेन दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसकी लाश अगले दिन घर पहुंचती है। तो हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, पुलिस हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, इन सब की एक मिली भगत हम उत्तर प्रदेश में देखते रहते हैं। तो ये आपको जो अभी 2019 के जो वोट आने वाले हैं, इलेक्शन आने वाला है, जब आप वोट देंगे तो ये जरूर सोच के दें कि अभी तक तो हमारे घर में ये तकलीफ नहीं हुई, बाजू के घर में है, लेकिन हमारे घर पे कब ये तूफान आने वाला है हमें पता नहीं है। अगर वो तूफान को रोकना है तो उसकी शुरुआत 2019 इलेक्शन से होनी चाहिए। आपके उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन आने हैं वो तो बाद में आएंगे, लेकिन अगर सेंट्रल में कांग्रेस आएगी तो हमें एक ये डेफिनेटली हक बनेगा कि हम स्टेट गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकें। तो सवाल पूछने के लिए भी एक पोजीशन होना बहुत जरूरी है, हमारे हाथ में एक वो पावर में नहीं कहूंगी लेकिन हमारे हाथ में एक वो वेपन होना बहुत जरूरी है कि हम मतलब उनसे सवाल पूछ सकें। क्योंकि आज तो उनका यह हाल है, यार तुमको क्या करना है, सेंट्रल तो हमारी गवर्नमेंट है, यहां भी हमारी गवर्नमेंट है, तुमको हम क्यों जवाब देते रहे। तो वो सोच जो है, अगर वो सोच उनकी बदलनी है, उनके मन में उनके दिल में थोड़ा सा डर खौफ पैदा करना है, तो सेंट्रल में कांग्रेस के आना बहुत जरूरी है, तभी हम उनसे सवाल पूछ पाएंगे। बीजेपी के एक विधायक ने कहा है कि भगवान राम भी आ जाएं तो रेप की घटनाएं नहीं रुकेंगी, इस सोच से क्या देश आगे चल पाएगा। इस सवाल का जवाब तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर ऐसी सोच वाले लोग हमारे देश को चलाएंगे तो क्या हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारी महिलाओं की सुरक्षा होगी। हमने पढ़ा है कि हमारे पुराणों में द्रौपदी का वस्त्रण हुआ था, उन्होंने हाथ उठा के कृष्णा को बुलाया था, लेकिन आज अगर हमारे यही लोग जो विधायक इस तरह की बातें करते हैं तो आप सोचिए हमारे देश किस पटरी पर चल रहा है। हमारे देश को बचाना है, हमारी महिलाओं को बचाना है, ऐसे विचार वाले विधायक जो हैं उनसे हमारे देश को बचाना है, और उस चीज को लाने के लिए वो अगर बचाव हम चाहते हैं तो वो सिर्फ एक बदलाव आएगा तो ही वो साध्य हो सकता है। और ये जो नामुमकिन की बात हमारे जो भाजपा के विधायक वगैरह कहते हैं उसको गलत साबित करने के लिए 2019 में कांग्रेस का जीतना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगी, या हम कांग्रेस में से हमारे राहुल गांधी जी जो अध्यक्ष हैं वो खुद भी ये नहीं कहेंगे कि वो कृष्ण भगवान आकर बनकर आके आपको बचाएंगे, लेकिन हम इतना वादा जरूर करते हैं कि हम ये सोच हर एक उस मर्द में डालेंगे कि औरत जो है उसको कृष्णा बुलाने की जरूरत नहीं है, कृष्णा भगवान आके बचाए इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे आजू बाजू में जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं जो मर्द हैं, वो हमारे लिए कृष्ण भगवान की तरह हमारे साथ खड़े होंगे, और हमारे खिलाफ जितने भी अत्याचार हैं उनसे हमें बचाने में मजबूती की तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे। उसका वादा हम कांग्रेस की तरफ से आपको जरूर करेंगे, क्योंकि सिर्फ झूठ और झूठ और सफेद झूठ ये हम नहीं कहते, ना हमें बोलने की आदत है, जो कहते हैं वही करेंगे और जो कर सकते हैं सिर्फ उसी का वादा करते हैं। तो ये कांग्रेस आपके लिए है। 2019 में अगर ऐसे विधायक लोग, ऐसी विचार वाले लोगों से आप अपनी बेटियों को, अपने घर की औरतों को बचाना चाहते हैं तो 2019 में कांग्रेस को वोट जरूर कीजिएगा। आधी आबादी जब हम कहते हैं, हमने देखा है कि हमारे शिव भगवान को भी हम अर्धांगिनी कहते हैं, उनके दो रूप हम देख चुके हैं। आधी आबादी जब हम कहते हैं, हम आबादी जो कहते हैं वो हमारा जो पॉपुलेशन है उसके वाइज, हम जेंडर वाइज नहीं कहते, हम कहते हैं कि जो इक्वल राइट्स होना चाहिए औरत का, जो उसको एक हक मिलना चाहिए, उसके लिए आधी आबादी
आधी आबादी हम किस तरह से उसको देखना चाहते हैं, आबादी जो हम चाहते हैं वो किस तरह की चाहते हैं, हम क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, हमारा दिमाग क्या है, हमारे आइडियाज क्या है, हमारा हर इंसान में पांच उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो हम सबकी सोच, हम सबके विचार, हम सबके आइडियाज अलग हैं। जब हम सब एक साथ बैठेंगे, जब ऑल लाइक माइंडेड पीपल, हमारी आइडियोलॉजीज और हमारी सोच जब एक होगी, हम सब जब एक ट्रैक पे चलेंगे, तब हम कहेंगे कि हाँ हमारी आबादी की तरफ हम चल रहे हैं। तो वो आबादी के लिए हमें साथ रहना है, और वो साथ उसी वक्त होगा जब हमारी सोच एक होगी, और वो सोच एक उस वक्त होगी कि जब हम कहेंगे कि बदलाव आना चाहिए। सो मेरे लिए जब आप कहते हैं हमारी जो आधी आबादी की हम बात करते हैं वो एक हक है, हमारा एक हमारा विश्वास है कि हाँ देश आगे बढ़ेगा, देश में बदलाव आएगा। और हम जब आबादी कहते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था जब एक औरत रात को 12 बजे पूरे जेवर पहन के अकेले की सड़क पे चल सकती है, तभी हमारे देश की पूरी तरह से हमारे देश को एक स्वतंत्रता मिली है। लेकिन आज तो हम घर के बाहर जब हमारी महिलाएं निकलती तो हम सोचते हैं कि सेफ लौटेंगी नहीं लौटेंगी, 5 मिनट लेट होती है तो एक माँ है जो अपने पेट में आग की तरह उसको चुभन होने लगती है कि मेरी बेटी अभी तक नहीं लौटी। तो आई थिंक वो जो आबादी हम कहते हैं वो हमें पिछले 5 सालों में जो थोड़ी मिल रही थी, पिछले 5 सालों में बहुत ही बुरी तरह से बर्बादी की तरफ बढ़ी है। तो वो बर्बादी को हटा के हमें आबादी वापस लानी है। तो वो आबादी के लिए हम सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, और हम सबको सिर्फ एक बोली बोलनी पड़ेगी, वो है कि बदलाव आना है, बदलाव लाके रहेंगे। देश की महिलाएं आखिर राहुल गांधी जी को क्यों चुने? मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगी, इन 5 सालों में आपको कभी भी ऐसा लगा है कि हां मोदी सरकार के नीचे हम बिल्कुल महफूज हैं? इन 5 सालों में आपको कभी भी यह एहसास हुआ है कि मेरी बच्ची बाहर जाती है तो वो तो आराम से घर लौट आएगी? इन 5 सालों में आपको कभी ऐसा लगा है कि मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली और वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है? इन 5 सालों में आपको ये बहुत ही सुन के खुशी हुई कि यार मेरे घर पे सब कुछ ठीक ठाक है? आपको ऐसा कभी लगा है कि इन 5 सालों में कि मोदी सरकार आने के बाद हमारा बिजनेस बड़ा हो? आपको इन 5 सालों में कभी भी ये लगा हो कि आज के बाद घर में तकलीफ ना होगी, राशन पानी की तकलीफ ना होगी? आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि यार वहां पर क्रूड ऑयल का रेट तो इतना कम हुआ है लेकिन पेट्रोल तो हम 80 रुपया 81 रुपया दे रहे हैं लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है? मैं आपसे इतना जरूर पूछना चाहूंगी कि आप सच्चे मन से अपने दिल पे हाथ रखें, एक मिनट के लिए आंखें बंद करें, क्योंकि दुनिया भर की खबरें, दुनिया में क्या होता है, हमारे देश में पिछले 5 सालों में क्या क्या हुआ है, उन सब चीजों को, आपकी बेटियों पर हमला, हमारी बहू बेटियों पर हमला, हमारे बच्चे जो बेरोजगार हैं, हमारे बुजुर्ग जिनको धर्म के नाम पर पीटा जा रहा है, हमारे देश में हमारे गांवों में जिस तरह से दलितों को अलग हटा के कि नहीं एक जो जाति है वो उससे ऊपर है इसलिए दलितों को आज भी हम एक ही तरह से ट्रीट करेंगे, उनके साथ मारपीट शुरू करेंगे क्योंकि वो तो यही नीचे की तरफ रहना चाहिए, उनको हमने नीचा दिखा के अपने आप को ऊपर रखना। अब सिर्फ एक बार अपने दिल पर हाथ रखें, आंखें बंद करें और कहिए कि पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान में कोई एक चीज ऐसी नहीं हुई है कि आपको लगे ऑल इज वेल। जिस तरह से हम देश में आज जो तकलीफें देख रहे हैं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन होती, चाहे वो GST है, धर्म के नाम पे जो सबके ऊपर हमले हुए हैं, जिस तरह से हमारे जवान हमारे बॉर्डर्स पे शहीद हुए हैं, जिस तरह से हमारे बुजुर्गों पर हमला हुआ है, जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन के वक्त 100 से भी अधिक लोग बिल्कुल सड़कों पे खड़े हुए थे लेकिन उनको पैसा नहीं मिला और मर गए वो लोग हीट स्ट्रोक की वजह से या वो तकलीफ ना ले पाए इसकी वजह से, या वो मां बाप जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करके रखे थे लेकिन मोदी सरकार ने एक रात को
8 बजे डिसीजन लिया कि भैया कल से ये नोट नहीं चलेगा, शादी टूट गई और माँ बाप बिल्कुल इतनी बुरी तरह से टूट गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। या उन माँ बाप के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए थे रात दिन मेहनत करके, जिनको पता लगता है कि ये पैसे की कीमत तो अभी कुछ नहीं रही, तो सिर्फ कागज की रद्दी है। या उन बच्चों के बारे में सोचिए जिन्होंने कुछ पैसे जमा किए थे अपने बूढ़े माँ बाप की इलाज के लिए, या उनके बारे में सोचिए कि पैसा आपने रात को 8 बजे डिसाइड किया कि ये सब नोट नहीं चलेंगे, इसलिए हॉस्पिटल में इलाज के लिए पैसा नहीं भर पाए, ऑपरेशन नहीं हुआ, इलाज नहीं हुआ, और उनके घर में कितनी तकलीफें हुई। मतलब आप चारों तरफ से अगर आप देख लें तो आपका पता लगेगा कि ये जो पिछले 5 सालों में हमने भाजपा की सरकार, तो मोदी गवर्नमेंट हम कहते हैं उसको, देखा है वो सिर्फ एक ही चीज पे आज तक अटल है, और वो है कि हर चीज एक नाम से शुरू होती है और वो है मोदी। देश की बढ़ोतरी, देश की ग्रोथ, हमारे नौजवान, हमारी औरतें, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे किसान, हमारे दलित, हमारे माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के, हमारे बैकवर्ड क्लास के, अब जिनको भी देख लीजिए, किसी को भी बुला के पूछ लीजिए कि उनको इन 5 सालों में कुछ फायदा हुआ है। हुआ है, फायदा जरूर हुआ है, करोड़ में फायदा हुआ है, लेकिन किसको हुआ है? वही 13-15 लोग जो मोदी जी को पैसे देते हैं, जो पब्लिसिटी करवाते हैं, जिनको, जैसे अमित शाह जी के बेटे हैं, जहां बता रहे थे कि महीने की, साल की उनकी तरक्की सिर्फ 80,000 की है, और एक साल में आप देखें तो उनकी तरक्की 8,000 करोड़ तक पहुंची है, लेकिन यहां पर बेचारे गरीबों के घर में खाने के लिए भी पैसा नहीं है। यहां पर 4,500 करोड़ सिर्फ अपनी सेल्फ पब्लिसिटी के पर खर्च होता है, लेकिन किसानों से मिलने के लिए 5 मिनट का वक्त भी हमारे प्रधानमंत्री के पास नहीं है। यहां पर इतना बड़ा वन ऑफ अ काइंड आप एक पूरा अपना नया ऑफिस बना लेते हो, लेकिन हमारे गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए नया स्कूल बनाने के लिए आप खर्चा करने के लिए तैयार नहीं हो। आप चल कहां रहे हो? मैं कहती हूं राहुल गांधी जी को वोट इसलिए देना चाहिए क्योंकि आप जब राहुल गांधी जी को वोट देते हो तो वो एक इंसान को वोट नहीं देते हो, आप एक सोच को वोट देते हो, जो वो सोच ऐसी है कि सिर्फ देश को आगे बढ़ाने की बात करता है। वो सोच एक ऐसी है जिसने हमारे देश को, जब अंग्रेज यहां पर थे, अंग्रेजों की गुलामी से हमें मुक्ति दिलाई, हमें एक स्वतंत्रता दिलाई और कहा कि आप आने का पूरा हक है, किसी का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। तो जब ऐसी एक सोच आपके सामने है जिसने इस देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया है, चाहे वो उनका घर हो, चाहे वो उनको पैसा हो या अपने घर के सदस्य हो, वो एक जो मूवमेंट कहते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी जी थे, जवाहरलाल पंडित जी थे, मौलाना आजाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या आपके अंबेडकर जी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, आप देख लीजिए वो सब जब जो देश की हम कहते हैं कि अस्तित्व क्या है, वो इस देश का अस्तित्व जो है वो एक सोच है, और वो सोच जो है वो कांग्रेस है, एंड राहुल गांधी जी उस सोच को आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर आप इस देश का अस्तित्व को ऐसे ही बिल्कुल मजबूत बनाना चाहते हैं तो आई थिंक आपको कुछ नहीं करना 2019 में, सिर्फ कांग्रेस को वोट देना है। हम ये नहीं कहेंगे राहुल गांधी जी, बिकॉज राहुल गांधी जी तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े होंगे, लेकिन देश भर में राहुल गांधी जी नहीं लड़ेंगे, देश भर में लड़ेगा राहुल जी की सोच, देश भर में लड़ाई होगी राहुल जी का सच, देश भर में जो आगे बढ़ेगा वो है राहुल गांधी जी के आइडियाज, एंड वो आइडियाज सिर्फ राहुल जी के नहीं है, क्योंकि वो आइडियाज के पीछे है एक बहुत बड़ा हाथ, और वो हाथ है कांग्रेस का। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हाथ साथ पकड़ते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं।